अरे डार्लिंग, मैंने आपको कहा था कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना, मगर आप तो बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह किसी की कोई बात ही नहीं सुनती हो। अच्छा ये बताइए, आपके हाथ टूट गए हैं क्या जो आप अपना कपड़ा भी नहीं प्रेस कर सकते? अरे मेरी प्यारी डार्लिंग, जब मुझे कपड़े खुद ही प्रेस करने थे तो ये बताओ आप जैसी चुड़ैल से शादी करके मेरा क्या फायदा? ओ मेरे पति परमेश्वर, तो शादी क्यों की आपने? कोई नौकरानी रख लेते ना अपने साथ जो आपका हर काम कर देती। सुनो मेरी प्यारी डार्लिंग, आपसे बड़ी आलसी औरत तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, सारा दिन किसी गधे की तरह सोती रहती हो। अरे मेरे पति देव, आप तो जैसे किसी सांड की तरह सारा दिन मेहनत करते हो। अरे मेरी जाने मन, आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपसे बात करने का मतलब है अपना ही मुंह गंदा कर लेना। नहीं नहीं, मैं तो आप जैसे बंदर से बात करने के लिए मरी जा रही हूँ ना। अरे आप जैसे आदमी से बात करने का मतलब है जैसे किसी बिल्ली से पीने का पानी मांगना। वाह वाह, क्या तमीज है अपने पति से बात करने की। आप एक काम करो, अब सो जाओ। वाह वाह, आप तो जैसे अपनी पत्नी से बात करते समय फूल बरसाते हो ना। मैं तो चली सोने, अब आप भी अपने काम पर जाओ।